गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं आपको बनाने के लिए दिखाने वाला हूँ क्लिकर गेम स्क्रैच में। तो ये बहुत ही इजी गेम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्प्राइट तक करना है। यहाँ आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर चूज स्प्राइट ऑप्शन में आपको ये बलून वाला स्प्राइट लेना है, ठीक है। बलून क्लिकर गेम है तो आपको जो आपका पहला डिफॉल्ट स्प्राइट है उसे आपको यहाँ पर कट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक कमांड देना है, व्हेन स्प्राइट क्लिक, बलून के ऊपर कमांड दे रहा है, व्हेन द स्प्राइट क्लिक स्टार्ट साउंड पॉप, व्हेन द स्प्राइट क्लिक्ड स्टार्ट साउंड पॉप, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब आपके स्प्राइट क्लिक होगी तब एक पॉप की साउंड आएगी, मतलब जब आपका स्प्राइट फूटेगा तब एक पॉप की साउंड आएगी। आगे आते हैं तो आपको एक वेरिएबल बनाना होगा स्कोर का। यहाँ पे आप वेरिएबल पे जाइए, लिखिए स्कोर फॉर द स्प्राइट ओनली, ओके। यहाँ पे ऊपर आपको स्कोर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इसी के नीचे आपको चेक करना है, व्हेन द स्प्राइट क्लिक स्टार्ट साउंड पॉप चेंज वेरिएबल बाय वन, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आपका ये प्रेस होगा तब आपका वेरिएबल चेंज, मतलब आपका जो स्कोर का वेरिएबल है वो वन पे चेंज हो जाएगा, मतलब उसका स्कोर में वन ऐड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गो टू अ रैंडम पोजीशन। इस बार अब देखो, आप ऐसे तो करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, तो मेक इट अ लिटिल डिफिकल्ट बाय गिविंग कमांड दैट आई एम शोइंग यू, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड फॉरएवर फॉरएवर लूप, then inside the forever loop you have to go to the random position and wait 1 second. It depends on you how difficult you have to go, you have to get this. If you have to make it a difficult, then you can do 0.5 seconds. If you have to make it easy, so you can do 1 second or as you wish, okay. So in the motion block, go to random position, wait 1 second. या जो भी आप नंबर लगाए, 1 second कितने भी सेकंड आप लगाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अब आपको कलर भी चेंज करना है, मतलब ये थोड़ा सा बचकाना हो गया, पर हाँ अगर आपको ये करना है आप करिए, या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर अभी मैं आपको बता देता हूँ कलर कैसे चेंज करना है। आपको लुक्स ब्लॉक पैलेट पे जाना है, यहाँ पर चेंज कलर इफेक्ट बाय 25, ये 25 ही नंबर रहने दीजिएगा, या आप चेंज भी कर सकते हैं, इससे कलर अच्छा चेंज होता है। देखिए अच्छे शेड्स मिलते हैं कलर के, आई प्रेफर यू दैट। नेक्स्ट, रीसेट स्कोरिंग, स्कोर को रीसेट करने के लिए आपको, जैसे आप गेम स्टार्ट करते हो आपका पहला अच्छा खासा स्कोर बन गया, ठीक है, आपको रीस्टार्ट करना है, तो आप जब ग्रीन फ्लैग क्लिक करोगे वापस से गेम को स्टार्ट करने के लिए, तब आपका स्कोर सेट हो जाएगा 0। सेट द स्कोर, सेट माई वेरिएबल, वेरिएबल को आपको रखना है स्कोर 2-0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ये आपकी गेम हो गई, अब आपको बढ़ते हैं आपके बैकड्रॉप के ऊपर, आपको बैकड्रॉप अपना कैसे बनाना है। तो आप जाओगे पेंट में, आप अपना कोई भी एक फेवरेट कलर रखिए बैकड्रॉप में, जो आपके बलून का ना हो, लाइट कलर रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप जाए, मैं आपको कौन सा कलर प्रेफर कर रहा हूँ मैं अभी आपको वो बता देता हूँ। ये हल्का सा येलो शेड है ग्रीन का, ठीक है, इसे थोड़ा सा लाइट रखिए और ये बस और क्या, और फिर एक सेकंड गलत हो गया थोड़ा। आप एक रेक्टेंगल या ये वाला स्क्वायर का जो ऑप्शन होता है, वहां से आप एक स्क्वायर बनाइए, जस्ट सी दैट, इजंट दैट लुकिंग गुड, ठीक है। इसी के साथ आपकी गेम पूरी हो गई है, ठीक है। अब आपको एक बार खेल कर दिखाते हैं। यहाँ पे हमने फुल करा, बलून 1 स्कोर 0 ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड। अब ये अपने जगह चेंज करेगा, आपको इसे क्लिक करना है और ये पॉप की साउंड भी बनाएगा, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू लाइक लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।